ठीक है ना, ये घर के पेपर्स हैं, ये आगे हैं, इस पर मजीद जो भी कार्रवाई होगी वो इमरान साहब रबते में रहेंगे। दूसरा जी, मुझे क्या बताया जा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से फौरी तौर पर आपको 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। ठीक है, 2 लाख रुपए आपके लिए आ गए। और एक कॉलर और मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ, और आपके जो अमल का दारोमदार जो है वो नियत पर है, और माशाल्लाह आप इतना नेक काम कर रहे हैं कि अल्लाह आपको इसका अजर देगा, आप तो हमें भी रुला देते हैं इतना माशाल्लाह जी। मैं तो अभी खुद इस वक्त मेरी आंखों में आंसू, मैं तो बहुत बर्दाश्त करता हूँ, टीवी का आदमी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। फरमाइया। बस हाँ, मैं 1 लाख रुपए का जो है आपके ट्रस्ट को देना चाहती हूँ, आप अपनी मर्जी से प्लीज जो भी इसका मस्तहक हो। 1 लाख रुपए आपके लिए और आ गए। ठीक, तो 3 लाख रुपए माशाल्लाह। एक और कॉलर मौजूद हैं, बेटे आपके अगर, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ बुरा तो नहीं लगेगा, अगर जलील निकले तो बाकी सब आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, हम भी आपके बेटे हैं। ठीक है ना जी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद सईद जी। मोहम्मद सईद साहब फरमाइए। हेलो जी, फरमाइए मोहम्मद सईद साहब। मैं सईद बोल रहा हूँ सर, ये जायदा परवीन साहिबा की बच्ची की शादी है ना? जी 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 जी। तो इनकी बच्ची की शादी के दिन जो खाना है वो 200 आदमियों तक का मेरी तरफ से, आप इनसे कहें कि मेरे से रब्ता कर लें। 200 आदमियों का खाना। आमिर भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी वालदा और वालिद साहब के लिए मशवरत की दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं आपको इनका नंबर अभी दिलवा दूंगा, तो अगर खाना आपने करना हो तो फिर उसके लिए। अच्छा, दूसरी बात जी जी, बेटी का रिश्ता खत्म करा दिया और कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, अपने बाप के पास जाओ, एक टाइम है, एक टाइम नहीं। नहीं, बेटी का रिश्ता कैसे खत्म हुआ मुझे बताएं, ये बताएं मुझे, अहम बात, कैसे खत्म हुआ? अब वो क्या कहते हैं? वो हमारे दुश्मन है, इनके भाई है, भतीजे। नहीं, वो शादी करना चाहते हैं अभी भी? वो करना चाहते थे लेकिन नहीं करना चाहते। उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, वो उन्होंने मना कर दिया, तो अब आप भी, आपको भी अब वहाँ करने की जरूरत नहीं है ना? अब ऐसे लोगों में जो मना कर दे, जो बुरे वक्त में साथ न दे, उसके साथ कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, एक वक्त था एक वक्त नहीं था, वो भी देख कर चले गए। जो मेरी बहन, याद रखना अपने भाई की नसीहत, जो बुरे वक्त में साथ न दे और जो सिर्फ अच्छे वक्त का दोस्त हो, उसको कभी अपना दोस्त मत समझना, और जो बुरे वक्त में कड़े वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहे, वही तुम्हारा सच्चा साथ। बीमार रहती हूँ, मुझे तकलीफ है। इनकी शादी का भी इंशाअल्लाह ताला, और आप देखिएगा ये कोई खुदा की मसलहत होगी उस घर में इनको या ना ब्याया गया, बहुत अच्छी जगह से रिश्ता इंशाअल्लाह आएगा। ठीक है ना? और जब भी आएगा रिश्ता, ये मैं यकीन दिलाता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, ये जानते हैं, मेरे इनसे बरादराना रिश्ता है, इनकी शादी मैं कराऊंगा। ठीक है ना? इनकी सारी शादी के खराजा डॉक्टर साहब मेरे जिम्मे, आपसे तो मेरा रिश्ता दूसरा है, आप मुझे हुक्म फरमा दीजिएगा। ठीक है ना? एक कॉलर और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। शब्बीर खान बात कर रहा हूँ सऊदी अरबिया से। जी फरमाइए शब्बीर खान साहब। क्या हाल है सर आमिर साहब? बस अल्लाह का करम है, फरमाइए। सर आपका प्रोग्राम देखते हैं सर हम डेली सर। जी सर, हमें बहुत पसंद है सर आपके प्रोग्राम। जी जी जी। तो सर हम ये चाहते हैं कि सर कल हमने आज रात को शहरी के टाइम पे, सऊदी के टाइम के मुताबिक हमने एक प्रोग्राम देखा था आपका। जी जी। जिसमें एक फैमिली के बारे में आपने बताया था, चाहे वो कराची, तो हम भूल गए वो किस फैमिली है, जिनकी 3 बेटियां थी और एक माँ। बैठे हैं अभी, बैठे हैं वो लोग, बैठे हैं, अगर आप देख रहे हैं इस वक्त तो वो बैठे हैं, आप फरमाइए। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि हम उसको कनेक्शन करना चाहते हैं स्पेशली फैमिली को। जी तो आप फरमाइए जी, फरमाइए क्या करना चाहते हैं? तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं स्पेशली, कोई उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो और कोई ऐसा अकाउंट। आप हमें बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं, हम कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देते हैं और अकाउंट नंबर भी आपको देते हैं। आप क्या, उनकी बच्ची की शादी के लिए तो इंतजाम हो गया, मजीद आप आगे उनके लिए कुछ जो करना चाहे वो आप कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नायत आपकी। अच्छा जी, मैं आपको 2 चीज़ें और दे रहा हूँ अभी, तो फिलहाल ये आप अपने पास रखिए, महमूद सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट, ये आपके बेटे की तरफ से। ठीक है, ये आप अपने पास रखिए। और डॉक्टर साहब के यहाँ अभी तो आप रह रही हैं, लेकिन ये मकान के पेपर्स आपके पास आ गए हैं, इसकी जो भी फर्दर लीगल प्रोसेस है वो हम आपके साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। और उसके साथ साथ ये ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, ये शनाख्ती का, ये राशन कार्ड है, और ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको महाना ये मिलता रहेगा, ताकि किसी पर भी आप बोझ ना बने।
किसी पर भी बोझ न बने, है ना, बनना भी नहीं है बोझ। सब होगा, सब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। अभी पहले हम ये सारे काम, आपको ये रकम मिलेगी, उस रकम से कुछ आप काम शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये जो पैसे आ रहे हैं 2-3 लाख रुपए, कोई छोटी सी दुकान, डॉक्टर साहब आप थोड़ी सी मदद करवाइएगा, क्योंकि मैं आपको जिम्मेदार बना दूंगा। ये रकम सारी डॉक्टर साहब तक पहुँच जाएगी, डॉक्टर साहब जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये मेरे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और आलिम दीन है, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो डॉक्टर साहब इसमें हमने जो भी करना है मिलके करेंगे जी जी, ये आगे भी करेंगे भी सारे, ये सब कुछ डॉक्टर साहब कुछ फरमाएंगे ताकि फिर मैं वक्त। बस मैं ये कहूँगा कि हम तो हजरत उमर की मिसालें देते हैं, आज मैं अपने हुक्मरानों को भी और हर एक जिम्मेदार को कहता हूँ कि उम्र तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आमिर भाई जैसे ही बन जाए तो हम कितने घरानों का सहारा बन सकते हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सलामती दे, आपके चेहरे को देख के कितने घरों के चिराग जो रोशन हो गए, आप उम्मीद की किरण है। तो उम्र रजी अल्लाह तआला तो बहुत बुलंद चीज़ है, तो आमिर ही बन जाए। मैं तो खैर बहुत गुनहगार हूँ, आप जिस अजीम उल मर्तबत हस्ती, हम तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की भी खाक नहीं है। और वो तो रातों को निकलते थे, देखते थे कि कौन भूखा है, किसके घर में कुछ खाने को नहीं है, फारूक आजम जैसा कौन होगा। बहरहाल आप लोग सब इत्मीनान रखें इंशाल्लाह। एक फैमिली और है, उनकी मैं बात कर लूँ, क्या वक्फा लेना है तो मुझे बता दें या मैं उस फैमिली से बात कर लूँ जी। दर्शा के शिविर प्लीज। नहीं भाई आपकी इजाजत हो तो इस फैमिली से भी मुझे, अरे बिस्मिल्लाह यही कीजिए, यकीन कीजिए मैं आपके पास नहीं आ पा रहा, मैं बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझे बात करते रहेंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। आ जाइए, हाँ बिल्कुल, अच्छा तो आइए नहीं बल्कि बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल बैठ जाइए। अच्छा बच्चा इस वक्त आप नानी हैं, आपने पाला है उसको? हाँ मैंने पाला है। उसका नाम मुराद है ना, उम्र 11 साल। मेरा बच्चा बहुत प्यार से मर रहा है। नहीं नहीं इंशाल्लाह नहीं, इसको पेशाब में खून आ रहा है, घर के अंदर बहुत प्यार से मर गया। किसी ने कुछ नहीं खाया उस बच्चे को लेके ऐसे घूमे। अच्छा ये आप कैसे पहुँची, ये इतना मुश्किल कैसे पहुँची? मैंने आपको टीवी में देखा, आपका प्रोग्राम नंबर नोट करा, फिर हमने उधर फोन करा, फिर उन्होंने आपका इनका कॉन्टेक्ट दिया, भाई का जो आया, फिर वो लेके पहुँचे हमें। अच्छा तो वो अच्छा अभी तो एडमिट करा दिया, पैसे जमा करा दिए, अब वेंटिलेटर का मसला हो रहा है ना जी, बहुत पैसे बोल रहे हैं जो हमारी पोस्ट से बाहर है जी। अब्दुल वाहब साहब, अब्दुल वाहब साहब कुछ वेंटिलेटर के लिए इंतजाम हुआ है? ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से अभी 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया ताकि वेंटिलेटर के अखराजात और अस्पताल के हों। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, बचने के क्या उम्मीद है? वैसे तो अल्लाह के हाथ में जिंदगी, बोला आप इलाज कराएं, मगर डॉक्टर्स क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे आप इलाज कराएं, जितना पैसा लगा सकते हैं लगाए, अल्लाह के हाथ। जियाउद्दीन हॉस्पिटल में ना जी, आपने आबिद वली किससे बात की थी जियाउद्दीन हॉस्पिटल में? डॉक्टर उनको टेलीफोन पे ले सकते हैं किसी तरह? उनको जरा फोन मिलवाइए, फोन मिलवाइए, हम उनसे बात करते हैं। रहीम शाह साहब यहाँ पर मौजूद है। हम लोग और 2 रोजे रखे थे और जो है ना तीसरे रोजे को हमारे घर खाना भी कुछ नहीं था, इसलिए हमने बहुत परेशान है। भाई उनको भी अल्लाह का शुरू से वालदा ने कमाए हम लोग की शादी ऐसी हुई है, मामे की डेथ की वजह से घर में बैठ गई, एक बेटा। यार इस वक्त बड़ा दिल चाह रहा है, जो माँ को निकाला है और इस पर ये मायर, मैं मुझे नहीं पता ये रुक, ये थम जाएंगी कि रुक जाएंगी, लेकिन एक शेर माँ माँ झूला झूला, ये मैं जिस तरह से निकाला है ना, मैं बस मैं कभी आपसे कहता नहीं लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा शायद इनके आंसू थम जाएं, शायद।